हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज आप देख रहे हैं मैं बथुआ का रायता बना रही हूँ। बथुआ मैंने अच्छे से साफ कर लिया। देखिए, ऐसे मोटी मोटी जो डंडियाँ होती है ना, उसके सामने से बस हम ये पत्ते तोड़ लेते हैं सारे, क्योंकि बहुत मोटी डंडी हैं। और इनको तोड़ के फिर हम अच्छे से इनको धो लेते हैं, क्योंकि बथुए में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैंने दो गुच्छी लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि तैयार करके आप बथुआ कैसे रख सकते हैं और डेली बथुए का रायता इन दिनों में सर्दी में खा सकते हैं। इसमें मैं एक मिर्च और डालूंगी और इसको कुकर के ढक्कन से ही ना खुला पकाऊंगी। मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप हल्का सा बढ़िया सा टेस्ट चाहते हैं तो इस तरह से डाल सकते हैं। मैंने कुकर लिया है लेकिन इसको ऐसे ढक दिया है, थोड़ा खुला है, हैवी बॉटम है, तो 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। और ये देखिए, इसको बॉईल होते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और ये बिल्कुल देखिए ग्रीन कलर का है ना। अब हम इसको ना यहाँ से ऐसे मैश करके देख लेंगे कि बहुत अच्छे से गर्म है। थोड़ा देखो मैश हो रहा है ना, अच्छे से मैश हो जाए, पक गया ये। आपको मैं यहाँ दिखाऊँ, थोड़ा गर्म है, ये देखिए बहुत अच्छे से मैश हो रहा है। तो आप इस समय ना, जब ये गल जाए अच्छे से, तब इस समय इसको गैस को बंद कर दें, इसको स्ट्रेन कर लें और ठंडा होने की इंतजार करें। ये देखिए बथुआ जो है ना, वो अच्छे से ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं, और ग्रीन का ग्रीन ही कलर है। ठीक है, इस समय ना हम इसको ऐसे निचोड़ लेंगे। इस तरह से ना सारा बथुआ हम निचोड़ लेंगे। और ये जो पानी है ना, ये बचा है, या ये उबालने के बाद बथुए का पानी बचा है, इसके अंदर हम आटा लगा लेंगे। तो ये पानी आपको वेस्ट नहीं करना है, बल्कि आप इस आटा लगा लेंगे। और ये देखिए, जो हमने निचोड़ा है, दो बड़ी गुच्छी होने के बाद भी ना इतना सा बचता है, बस 3 बार इतना सा निकला है। और ये जो मोटी साइड है ना कद्दूकस की, इसकी तरफ से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ना तो आपको सिलबट्टे की जरूरत है और बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए इस तरह से, ना सिलबट्टे की जरूरत है ना पीसने की। वैसे मिक्सी में आप चाहें तो पीस सकते हैं, पर मैं आपको यहां दिखाती हूं कैसे बथुआ तैयार करना है। और यकीन मानिए, इससे बनी हुई चीजें बहुत न्यूट्रिटिव, बहुत हेल्दी रहती हैं। तो सर्दियों में जो हो रहा है ना पैदा, जैसे अपना पालक है या बथुआ है या मेथी है, जरूर खाइए। अब आप ये देख सकते हैं इसमें और इसमें डिफरेंस, देखिए। तो ये बिल्कुल दरदरा दानेदार हो गया है। आलू के पराठे बनाएंगे, आलू में मिलाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, रायते में मिलाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल पेस्ट जैसे बन गया है, लेकिन हाँ, अगर आप पेस्ट पसंद करते हैं तो वो कर सकते हैं। और इस तरह से करके एक बड़े बाउल में आप इसको भर के रख सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से आपका ये बथुआ जो है ना, वो तैयार हो जाता है। यानी आपको पराठे बनाने हैं, रायता बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो ये आपका बथुआ इस तरह से तैयार है। तो इस वीडियो में आपको ये भी बता रही हूँ कि बथुआ रायता वगैरह बनाने के लिए कैसे तैयार किया जाए। ये देखिए, हमने 250 ml दही ली है और ये लिया है हमने बथुआ, ठीक है। एक बड़ा चम्मच अच्छे से हमने जो बथुआ बॉईल करके रखा है उसको ले लिया है, ठीक है। और इसको अब हम इसमें डालेंगे भुना जीरा आधा चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार, सफ़ेद नमक स्वाद के अनुसार, 2 पिंच काली मिर्च और 2 पिंच लाल मिर्च पाउडर, ये भी हम इसमें साथ में ही डाल देंगे। और अब हम इसको विस्क करेंगे हल्के हाथ से। आप दही भी पहले विस्क कर सकते हैं और फिर ये डालें, पर हल्के हल्के चंक्स में इसमें अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। इस समय आप टेस्ट करके देख लें और हमारा ये यमी सा बथुए का रायता बनकर तैयार। ये देखिए इतनी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू इसमें आ रही है। और आपको पास से दिखाऊं कलर, ये देखिए। तो हल्का सा इसको बिल्कुल पेस्ट की तरह फाइन मत कीजिए, हल्का ऐसे दरदरा दही भी और ये भी, तो आप देखेंगे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए, हमने यमी सा रायता अपना सर्व कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे रेड चिली पाउडर से, ठीक है।
थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, जिसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है इसके अंदर। तो इस विंटर स्पेशल रायते को जरूर बनाइए और जरूर खाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।